सूर्य ग्रहण के वक्त खाना खाना नहीं चाहिए। सूर्य ग्रहण के वक्त गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण के वक्त कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। ग्रहण के वक्त पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसी ही बातें आपने बहुत बार सुनी होंगी, तो आज हम जानने वाले हैं कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। और आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लूनार इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स को। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इक्लिप्स दो टाइप के होते हैं, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स, जिसे हम हिंदी में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी बोलते हैं। आप तो ये जानते होंगे कि सन मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल के चक्कर लगाता है, और इसी प्रकार अर्थ सन के चक्कर लगाता है, और कुछ इसी प्रकार अर्थ के चक्कर लगाता है मून। और ये एक सेलेस्टियर बॉडी के दूसरे सेलेस्टियर बॉडी के आसपास घूमने का फंक्शन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन करूं तो उसके रिजल्ट्स कुछ ऐसे होंगे। जब दो सेलेस्टियर बॉडी आपस में एक फोर्स जनरेट करते हैं अपने मास के कारण, तो हम उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और कॉमन सी बात है, सेलेस्टियर बॉडी का मास ज्यादा होगा वो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट करेगा, और बड़ी सेलेस्टियर बॉडी छोटी सेलेस्टियर बॉडी को अपने ओर को आकर्षित करेगी। अगर हम अपने सोलर सिस्टम के मास के बारे में बात करें, तो हमारे सोलर सिस्टम का 99.8% मास हमारे सन के पास है, और इसी रीजन के चलते हमारे सोलर सिस्टम के प्लेनेट हमारे सन के आसपास चक्कर लगाते हैं। और यहाँ पे एक फन फैक्ट, यहाँ पे मैं हमारे शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस यूनिवर्स में अनगिनत गैलेक्सीज हैं, और उन गैलेक्सीज के अंदर अनगिनत सोलर सिस्टम। और यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ होगा, अगर हमारे सोलर सिस्टम का 99.8% मास हमारे सन के पास है, तो प्लैनेट्स सीधे जाके सन से टकरा क्यों नहीं जाते? तो इसका रीजन है प्लैनेट्स की खुद की स्पीड होना। अगर हम अपने अर्थ की बात करें, तो अर्थ की स्पीड है 67,000 माइल्स पर आवर, जिसको थोड़ा सिंपल करें तो 30 किलोमीटर पर सेकंड। आपने जरूरी बातें जान ली है, तो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि लूनार इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं सोलर इक्लिप्स से। जब सन की लाइट अर्थ के पास आती है और अचानक से बीच में मून आ जाता है, और इसी कारण अर्थ पे जाने वाली सन की लाइट ब्लॉक हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। और ये धरती से कुछ ऐसा दिखता है, और इसी का उल्टा होता है लूनार इक्लिप्स। जब सन की लाइट मून तक जाती है और बीच में अर्थ आ जाती है, और अर्थ के शैडो के कारण मून डार्क हो जाता है, तो इसे हम लूनार इक्लिप्स बोलते हैं। और लूनार इक्लिप्स अर्थ से कुछ ऐसा दिखता है। अब यहाँ पे एक डाउट क्रिएट होता है, अगर मून हमारी अर्थ का एक चक्कर 27 days 6 hours में लगाता है, तो इस तरह तो हमको हर महीने एक लूनार इक्लिप्स और एक सोलर इक्लिप्स दिखना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, क्यों? तो इसका एक सिंपल सा रीजन है, हमारे मून का ऑर्बिट हमारे अर्थ के ऑर्बिट से 5 degree टिल्ट है। आप इस एनिमेशन के थ्रू इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कि मून का ऑर्बिट अर्थ के ऑर्बिट से 5 degree टिल्ट है, तो यहाँ पे सिर्फ दो पॉइंट होंगे जहाँ पे मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, और जब ये दो पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होंगे तभी हमको लूनार इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स देखने को मिलेंगे। और ये होना काफी ज्यादा रेयर होता है, इसी के कारण हमको लूनार इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। और वीडियो की शुरुआत में मैंने लोगों की मान्यताओं के अनुसार जो बात की थी वो बिल्कुल झूठ है, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। लूनार इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स के टाइम पर अर्थ पे ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिलती है जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बोली थी, क्योंकि इक्लिप्स का होना बहुत ज्यादा रेयर होता था, इसीलिए प्राचीन काल के लोग इक्लिप्स के बारे में ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाते थे। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूं। जैसे प्राचीन चाइना में माना जाता था कि एक बड़ा सा ड्रैगन सन को खा जाता है, और नेटिव अमेरिकन ये मानते थे कि एक बड़ी सी गिलहरी सन को खा जाती है, और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि ये सारे मिथ्स हैं। इक्लिप्स एक बहुत बड़ा इवेंट है, तो इसको एंजॉय कीजिए और ऐसे अंधविश्वासों में मत मानिए। इक्लिप्स को देखते वक्त एक सावधानी बरतिए कि आप नंगी आंखों से इक्लिप्स को ना देखें, उससे आपकी आंखें डैमेज हो सकती हैं। इक्लिप्स को देखने के लिए एक स्पेशल प्रकार के गॉगल्स आते हैं, जिससे आपकी आंखें डैमेज नहीं होंगी। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप पानी में इक्लिप्स को देखिए, जो सबसे सस्ता और किफायती तरीका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो पास में बेल वाला आइकन आ रहा है उसको ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली मेंबर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनको भी ये नॉलेज मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में कुछ नया लेके।